What up, yeah? Assalamualaikum everyone. Vipassana एक meditation की technique है जो कि बुद्धा से चलती हुई आती है और उसको गोइंका जी एक हैं जिनका इंतकाल हो गया recently. उन्होंने एक और उसको अपने तरीके से बनाया और अब तकरीबन different teachers different तरीके से Vipassana कराते हैं. Vipassana meditation में साइलेंस की टेक्निक यूज़ की जाती है, खामोशी की जाती है और खामोशी के ज़रिए अपने ऊपर काम किया जाता है, अपने दिमाग के ऊपर सर्जरी करना होता है एक तरीके से. क्योंकि आप नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान के इलाके में और जितने भी ऐसे इलाके हैं जिसमें फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है उसके अंदर हम ज़िंदगी में कभी भी अकेले अपने साथ टाइम नहीं गुजारते. तो Vipassana जब आप करने जाते हैं तो पहली दफ़ा ऐसा होता है कि आप 10 दिन ज़िंदगी में अकेले अपने साथ टाइम गुजारते हैं और अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से लड़ाई करते हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं. तो मैं पिछले जब से करके आया हूँ, मुझे करे 2012 से, मैं 6 साल हो गए जिससे मुझे पहला एक्सपोजर मिला था. उसके बाद से जब से मैंने किया था, जो मेरे साथ तमीज़ भाई होते हैं मैं उनको बार बार कहता था कि आप करें. फाइनली 1 महीने पहले तमीज़ भाई ने ये करी और अब मैंने, इन्होंने वीडियो भी बनाई थी कि इन्होंने क्या सीखा, लेकिन अब मैं इनसे कुछ मुख्तलिफ सवाल करूँगा Vipassana से रिलेटेड जो शायद इन्होंने ऑब्ज़र्व नहीं किया. होता ये है कि हम अपने माशरे में रहते हैं लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि हम उसके अंदर होते हैं तो नज़र ही नहीं आता, हम ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते कि हम क्या नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम तो एक्चुअली अंदर हैं. जबकि ऑब्ज़र्वेशन हमेशा बाहर वाला करता है, बाहर वाला बताता है. जैसे मेरी शक्ल है, मैं अपनी शक्ल आईने में देख सकता हूँ, मैं ख़ुद से नहीं शक्ल देख सकता. कोई बताएगा मुझे कि मेरी शक्ल कैसी है, राइट? अगर स्पेशली शीशा ईजाद नहीं हुआ होता. तो कैसे हैं तमीज़ भाई आप? जी अस्सलाम वालेकुम. जी मैं ठीक हूँ. ये बताएं, ज़िंदगी में कभी 9 दिन या 1 दिन या कितनी दफ़ा अकेले टाइम गुजारा अपने साथ, बग़ैर किसी डिवाइस के, बग़ैर किसी किताब के, बग़ैर किसी चीज़ के, कभी टाइम गुजारा था अपने साथ? नहीं, पहली दफ़ा मैंने ये 11 डेज जो है बिल्कुल अकेले गुजारे हैं. उससे पहले कभी नहीं गुजारा? कभी 1 दिन गुजारा अकेले? 1 दिन शायद आधा दिन तो गुजारा होगा, लेकिन अकेले बग़ैर किसी डिवाइस के, बग़ैर किसी किताब के. तो किस तरह गुजारा था वो 1 दिन, आधा दिन? बस लाइट गई हुई थी तो वो उसमें ना डिवाइस चलती है ना कोई होता है, साइलेंस होता है बिल्कुल. तो अच्छा, कोई अभी तक चेंज महसूस हुआ आपको आपके अंदर जो Vipassana करने के बाद और Vipassana करने से पहले? Vipassana करने के बाद थोड़ा सा चेंज ये हुआ कि एक तो जो टाइमिंग है वो चेंज हो गई बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर जो 11 दिन तक हमें सुबह 4 बजे उठाते हैं और उसके बाद फिर रात को सुलाते हैं, उसकी टाइमिंग, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पर रात को जागरा होता था 11, 11:30 बजे के बाद 1 बज जाते थे. सो नींद जो है वो अपने टाइम से आती थी, 1:30 बज जाता था. तो नींद का साइकिल अच्छा, तो नींद का साइकिल अच्छा हो गया, जल्दी सो जाते हैं 10:30, 11 बजे तक. उसके बाद उसी तरह सुबह वो आँख खुल जाती है 6, 6:30 बजे, नमाज़ वगैरह पढ़ी. और उसके बाद ये फ़ायदा हुआ, एक ये फ़ायदा हुआ. दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि पहले जो है जहनों में बहुत सारी बातें चल रही होती थी, यानी ये सिस्टम जो दिमाग का है वो उसमें भी चल रही होती थी सोते हुए, तो अब वो नहीं चलती. वो मैं हो नहीं सकता कि ना चले. नहीं, मैं उस चीज़ को अब वो ख़त्म करके सोता हुआ था, मैं इसके बारे में सोचती नहीं. मैंने अब ये 1 महीने में ये जो सीखा है वो यही है कि मैं जो है वो सुबह का सोचता ही नहीं हूँ. मैं अब जो है वो सोच के उसके बाद सुबह स्टार्ट करूँगा जो भी कुछ करना. जहन को अपने चलाता नहीं हूँ कि सुबह क्या करना है, वरना वो रात भर वो चलता रहता है कि ये करना होगा इसकी वजह. तो पहले भी जब मैं बोलता था कि ना सोचो तो आप कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है कि ना सोचो, और अब कैसे हो गया कि सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते? पहले डिफरेंट चीज़ थी, पहले वो सीखी नहीं थी चीज़, अब नज़र आ गया कि वो जो अब क्या करना है. पहले ये था कि वो फास्ट लाइफ थी, अब ये है कि अपने आप से हिसाब से मैनेज करना पड़ता है कि इसको आप कैसे हम हैंडल कर सकते हैं. तो ये अच्छी बात है ख़राब बात है? अपने आप से मैनेज, वैसे तो अगर कोई
काम दे रहा है उसके लिए तो ख़राब बात है कि उसका काम फौरन नहीं हो रहा, लेकिन अपने हिसाब से सही है क्योंकि एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम होगा, वो मेरे ख्याल में सही, मेरे हिसाब से अब सही है। तो ख़राब बात हुई या सही बात हुई। तो पहले जब कह रहे थे कि सीख लो फ़ायदा होगा, तो आप क्या समझते थे, क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा? पहले 2-3 दफ़ा तो चांस लगा कि हम चले हैं, लेकिन इत्तेफाक है कि वो मेरी वहाँ बुकिंग हुई नहीं थी, सी मेरी कंफर्मेशन बेदली कर रहे थे ना तो, और दिल से भी वो नहीं कर रहा था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बस अचानक ही सारे काम हो गए और कर भी लिया वापस। पहले सोच रहा था कि यार 11 दिन मैं एक नई रिलीजन्स में मतलब जा रहा हूँ वहाँ बुद्धिस्ट टाइप की, क्या करूँ, और सच माने मैंने 2 दिन जो है वो बहुत मुश्किल से गुजारे। शायद मैंने अपने सर को कुछ कहा भी हो कि इन्होंने मुझे किस जगह पे भेज दिया जानलूम में, लेकिन ये कि 2 दिन बाद मैंने फिर ये सोचा कि जब उन्होंने मुझे भेजा शायद कुछ फ़ायदे के लिए भेजा होगा मेरे लिए, तो मैंने फिर जो है ये नहीं देखा कि मुझे अब क्या करना है। मैंने ये कहा कि अब ये सीखना ही है, तो बस ये थोड़ी सी 2-3 प्रॉब्लम्स हुई थी, जहन उस वक्त चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन ये कि कोशिश करने से तो सब चीज़ें हो जाती हैं, और वो हमने करा अपने लिए, सोचा भी अपने लिए, ज़्यादातर अपने लिए सोचा कि क्या करा, लेकिन बहुत जो सोचा है ना, मैं समझता हूँ वो शायद अल्लाह ताला किसी नेकी में बदल दे मेरी, जो मैं काम करता था लोगों के लिए, लेकिन ये कि वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमने अपने पैसे, अपने जो साल है ना वो ज़ाय करेंगे। तो अगर लोग कम उम्र में इसी तरह से विपाशना कर लें और अपने साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू करें, तो उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी या ख़राब होगी? कम उम्र के तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जैसे अगर आपने ये विपाशना आज आपकी 45 उम्र साल है, अगर आपने 21 साल की उम्र में किया होता तो आपकी ज़िंदगी का जो डायरेक्शन है वो सेम ही रहता आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में 21 साल की उम्र में तो शायद मैं कोशिश भी नहीं करता कि मैं जाऊँ। नहीं, मैं जबरदस्ती करवा देता आपको, अगर जैसे आपका बच्चा 21 साल का होगा, 21 साल से कम में वो लेते नहीं है, 18 साल से कम में नहीं लेते, सॉरी। तो अगर 18 साल का बच्चा हो जाए और उसको आप जबरदस्ती करवा दें, जिनके बच्चे जबरदस्ती सुन लेते हैं अब्बा की, मेरे तो नहीं सुनते, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा करना? मेरे ख्याल में नुकसानदेह होगा, क्योंकि वो उनकी बिगिनिंग स्टेज होगी, वो ऐसा है ना, वो ये समझ इंजॉयमेंट के लिए वो तो कर सकते हैं, लेकिन उनको फीडबैक जब भी मिलता है, जो आदमी को एक्सपीरियंस होता है, जो आदमी गुजार चुका होता है ज़िंदगी आधी या आधी से थोड़ी सी कम, तो उसके बाद उसको पता चलता है कि मैंने क्या करा। 21 साल की 18 साल की उम्र में तो उसको पढ़ाई से ही फारिग होता है, उसे ना जॉब करनी होती है ना उसको देखना होता है, वो अपने घर को सिस्टम को देख रहा होता है, लेकिन ये विपाशना मैं समझता हूँ कि वो जो अपनी उम्र गुजार चुके हैं और उन्होंने कुछ नहीं करा इस समय जैसे मैं बता रहा हूँ, उनके लिए करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमने जो है वो टाइम जो है वो ज़ाय करा। लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि मैंने 30 साल ज़ाय करे, तो मैंने 16 साल निकाल के बताए थे अपने, क्योंकि मैं 16-17 साल की एज से काम कर रहा हूँ। अगर मैं नया नया उस टाइम विपाशना करता तो शायद मैं ये समझता नहीं, मैं ऐसा फ़न लेता कि भाई चलो वो एक ट्रेनिंग करा रहे हैं ठीक है, लेकिन जब किसी पे गुजरती है उसके बाद फिर विपाशना करना चाहिए तो पता चले कि हाँ उसने करा क्या है। अच्छा, बैठ के ज़रा करके दिखाएं किस तरह से बैठना पड़ता है। इसके अंदर जो है वो आपको इसमें आपने अपना हाथ और ये टांगों को फोल्ड करके और ये जो है हाथ ये इसके ऊपर रखने और आंखें बंद कर देनी है। इसमें आंखें बंद करने के बाद जो है वो आपने कोई चीज़ सोचनी नहीं है, सिर्फ अपने आप को जो फीलिंग है जो आपके अंदर है वो आपको महसूस करनी है कि क्या हो रहा है। सांस को ऑब्जर्व नहीं करना, सांस को मतलब वही सांस फीलिंग का मतलब ये मतलब आप जो सांस चला रहे हैं, सांस और फीलिंग सेम होती है। मैं जहन में तो अभी वही है मगर मैं बता नहीं सक रहा, लेकिन वो सांस को ऑब्जर्व करना है।
किस तरह करते सांस को? सांस को आपने अफजल करना है कि आपने सांस ये प्रैक्टिस में 4 दिन हमारे से ये कराते हैं क्या कि इसके अंदर जो है सांस आपने लेना है और आपको महसूस करना है कि सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। इसके अंदर वो प्रैक्टिस कराते हैं और महसूस कराते हैं कि आप हंसी नहीं आई शुरू में वहाँ पे? हंसी तो है मुझे नहीं आई, लेकिन ये कि अजीब सा लग रहा था क्योंकि मेरे बैक का प्रॉब्लम था, तो एक दिन तो मुझसे बहुत मुश्किल से किया गया ये वाला काम। तो फिर मैं टीचर से कहा सर मेरे बैक प्रॉब्लम है, कहने सही हो जाएगा, विपश्यना करेंगे तो निकल आएगा दिमाग से। मैंने कहा नहीं निकल आएगा, मेरे सर्वाइकल का मसला है। तो फिर अगले दिन जो है फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जो है वो बैक चेयर होती है उनकी वो ले लें। फिर उसमें हमने फिर इसी तरह ये हमें 2.5 घंटे सुबह करना है, फिर इसी तरह हर घंटे बाद जो है 5 मिनट का रेस्ट होता है जिसमें आप वॉशरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये विपश्यना करने के बाद जो है वो आप जो है आपने कोई भी चीज़ महसूस करनी है अपने जिस्म में, हाथ में, तो आप 1 सेकंड में महसूस कर लेंगे कि मेरे हाथ में सरसराहट हो रही है, खुजली हो रही है या गुदगुदी टाइप की हो रही है या सुन हो रहा है। तो आपने सब चीज़ें वो महसूस करनी है, और जब वो सब चीज़ें महसूस करनी है कि आपका दिल और दिमाग जो है फिर आपके मुताबिक चलेगा उसके अंदर। कभी आज विपश्यना से पहले ये होता था दिल जो है वो कुछ कह रहा होता है और दिमाग कुछ कह रहा होता है, तो आदमी डबल माइंडेड होता है कि करूं या नहीं करूं। दिल कहता है यार कर लूं, सर अच्छे हैं यार सर ने कहा है, और दिमाग कहता है यार गलत काम हो रहा है। तो उसमें अब ये होता है कि अब जो है वो दिमाग और दिल एक होता है और वो काम जो है वो इस तरह सही हो जाता है। ये विपश्यना की थोड़ी सी। तो कमर का दर्द रहा या ख़त्म हो गया? कमर का दर्द तो है मेरे और वो रहा, लेकिन मेरी घुटनों में एक चिकन गुनिया के बाद जो है वो घुटनों में आ जाता है, शायद आ जाता है या नहीं आता, लेकिन वो घुटनों में मुझे दर्द होता था तो मैंने उसको उससे हल कर दिया था अपने। तो उसके बाद जो है मेरे वो जो कीन्स में दर्द था वो महसूस नहीं हुआ मुझे, मैंने हटा दिया अपने जहन से वो हटा। ये आप बताइए नॉर्मली विपश्यना के दौरान में 10-1 मिनट का कोई ऐसा मोमेंट आता है जो एक बहुत तब्दीली वाला मोमेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस मोमेंट होता है ज़िंदगी में? आपकी ज़िंदगी में आया वो मोमेंट कोई? बहुत अजीब अजीब से वाक़यात होते हैं लेकिन आधा मिनट 1 मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं करते वो। मेरे जब वो विपश्यना मैंने स्टार्ट करी थी शुरू 2 दिन तो बड़ा डिफ़िकल्ट था, उसके बाद जब वो मैं जब आंखें बंद करता था तो मुझे, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि जहन इतना भरा हुआ था कि उसमें से चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि वो सोच सोच के जो है मैं टेंशन में आ रहा था कि पता नहीं कोई शक्लें आ रही हैं, कभी कभी कुछ आ रहा है, कभी ख्यालात आ रहे हैं। तो वो टीचर ने सॉल्व करवाया था, वो कहने लगे कि आप जो है उसको सोचें नहीं, उसको डिलीट कर दें, बैकग्राउंड पर डाल दें। और टीचर ने तो बहुत मदद करी क्योंकि टीचर जो है वो हमारे विजय कुमार साहब थे, वो नाइस बम्बई के थे और उन्होंने हिंदी में ही मुझे सारी चीज़ें बताई और उन्होंने बहुत वर्क करा और उन्होंने ही आज जो है मुझे वो उसको प्रॉपर करने का तरीका सिखाया। अक्सर वो मुझे हफ्ते 10 दिन में मुझे फ़ोन भी करके हेलो हाय कर रहा है। तो ये बताएं कि आपने कोई ऐसा मोमेंट आया 1 मिनट का 5 मिनट का जिससे आपको कोई बहुत पुरानी मेमोरी दिमाग में आई हो जो फंसी हुई हो जिसकी वजह से पेन कॉज हो रहा हो? जैसे मैं सुजाना का बताऊं कि सुजाना ने बताया कि भाई ऐसा हुआ कि भाई मुझे किसी ने छुरी घोंप दी हो, तो फिर मैंने करती रही तो एकदम से छुरी किसी ने निकाल दी और बहुत मैं रिलीज़ हो गई कि मेरी जो पेन था एक मेरा पास्ट का वो निकल गया, ख़त्म हो गया। इस तरह का कोई नहीं, मेरे मुझे तो इस तरह से कोई फील नहीं हुआ। और मैंने आपको बताया कि मेरे घुटने का जो प्रॉब्लम था वो मैंने अपने मेडिटेशन से उसको हल करा था कि मैंने उसको अपने जहन से हटा दिया कि मेरे कोई दो घुटने का दर्द नहीं है। सही। तो वो उसमें ये फ़ायदा हुआ मुझे इससे। अच्छा, आपने कभी ज़िंदगी में अपने साथ अकेले टाइम नहीं गुजारे? 9 दिन तक खामोशी से मेडिटेशन करी, चुप रहे, बातें नहीं करी टीचर के अलावा किसी से, तो कोई लाइफ के बारे में ऑब्जर्वेशन भी करी कि आपने कहा कि भी आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी आपने ज़ाया कर दी और दूसरों के काम करते करते, तो अपने लिए कोई प्लान बनाया या नहीं बनाया अभी भी कि भी मुझे ये करना है अब अगले आगे बचे हुए टाइम में?
भैया मैं विपाशना कर कर आया था, तो मैंने सोचा था कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो टाइम ज़ाया कर दिया, मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरी दोबारा नौकरी कर रहा हूँ और मैं जो है वो वापस नौकरी करूँ। और मैं यही सोच रहा था कि इस दौरान भी यही सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ जिससे जो है और मैं उसको फोकस करके जो है उसको टॉप पे ले जाऊँ। तो ये मेरा एक प्रॉब्लम उसके बाद आया है। बाकी ये कि अभी लगा हुआ हूँ, अल्लाह ने चाहा तो कोई अच्छा सेटअप बनेगा तो इंशाल्लाह अपना बिजनेस ही करूँगा, क्योंकि जब तक इंसान फोकस कोई चीज़ नहीं करेगा तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता किसी भी चीज़ में, फोकस लाजमी है। अच्छा, पहले आप जो है वो 25 काम करने का शौक़ रखते थे, यानी आपको 25 शौक है, नहीं है, आप फिक्र ना करें हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि उसका रिज़ल्ट नहीं आता था। फिर अब आपने विपाशना करी, फोकस बढ़ गया। बेसिकली विपाशना फोकस का ही नाम है, मैं बार बार बताता हूँ, मेडिटेशन फोकस का नाम है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें। हमारे पास सबसे सही इसका कंट्रोल ही होता है, दिमाग का कंट्रोल नहीं होता। हम समझते हैं हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, लेकिन हमारा अपना दिमाग ही हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो हम बेचारा और क्या तीर मारेंगे हम। तो ये एक एक्सरसाइज थी जो आपने करी। आपके ख्याल में इस 10 दिन का कोर्स आपको दोबारा कब करने जाना पड़ेगा दोबारा, या अभी तो बिल्कुल ही दिमाग में नहीं है? नहीं अभी तो फ़िलहाल दिमाग में नहीं है कोर्स करने के लिए, लेकिन ये कि अब ये फोकस अपने काम पे तवज्जो देंगे ऑटोमेटिकली। मेडिटेशन का मसला ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा सीख ली तो आप वो आप दिन में 3 दफ़ा भी आप 1-1 घंटे की मेडिटेशन अपने घर में कर सकते हैं। अब वो दोबारा करने का मकसद ये होता है कि आप फ्री हैं तो आप चले जाइए, लेकिन उन्होंने 10 दिन की जो कंपलसरी ट्रेनिंग है वो आपको दे दी है और आपको ये भी बता दिया कि आप 10 दिन नहीं कर सकते, तो आप आधे घंटे कर लें मगर 3 टाइम आप कर लें, और जिससे तो आप कर रहे आप हैं मैं जी 3 टाइम तो नहीं 2 टाइम करता हूँ, मॉर्निंग में रात में घंटा, आधे तो आधे घंटे की मैं मेडिटेशन करके उसके आपको बाद कम होते से हैं। कम भी 1.5 घंटे ही करनी चाहिए। हाँ मैं इसको टाइम लिमिट बढ़ा दूँगा फिर उसकी वो क्यों करनी हेल्प। चाहिए आपको? क्योंकि आप उसमें कमज़ोर हैं, मतलब हाँ आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा अंदर परेशान रहता है। जी जो ज़्यादा परेशान होते हैं उनको ज़्यादा करनी चाहिए, दिमाग में चुप ही नहीं होता। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ था, जुम्मे की नमाज़ का खुतबा जो होता था, मैं आधा घंटा बैठ नहीं सकता था, तो वो विपाशना के बाद मैंने बैठना शुरू कर दिया। कुछ नहीं होता, आराम से बैठे रहो, पहले तो वो आ ई आवाज़ें आती रहती हैं, फिर नमाज में भी खुजली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर खुजाते रहते हैं, वो सब ख़त्म हो गया था मेरा। आपको कोई फ़र्क पड़ा नमाज में? नहीं, मेरे नमाज में जो है एक सुई आ गई मसलन एक जहन से पढ़ रहा। पहले नमाज में भी ऐसा होता था कि ना मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और जहन चल रहा है काम करके, सर का काम है घर का काम है, लेकिन मेडिटेशन के बाद जो है वो अब मैं फोकस ही जैसे फोकस सेट करते हैं इसी तरह नमाज में फोकस सेट हो गया कि आप बिल्कुल आप तरीके से तवज्जो के साथ नमाज पढ़ेंगे। पहले नहीं करते थे पहले जहन चलता रहता था। तो आप रेकमेंड करेंगे और लोगों को कि उनको भी ये विपश्यना का कोर्स करना चाहिए? जाना मैं किसी को ज़बरदस्ती तो खैर भेज नहीं सकता, क्योंकि हम जो है वो किसी ज़बरदस्ती को कौन कह रहा है, मैं तो रेकमेंडेशन पूछ रहा हूँ कि आप कहीं की नहारी खाते हैं और बताते हैं हाँ भाई नहारी अच्छी थी, मैं कहूँगा हाँ ज़रूर ट्राई करो। जैसे आप कहते हैं ना भाई ये ज़रूर खाएं, ये ज़रूर खाएं, तो आप लोगों को ट्राई करेंगे। मेडिटेशन आपने चखी है कि भाई ये वाला करना चाहिए या नहीं? भाई जाना चाहिए, लेकिन ये सोच लीजिए कि वहाँ पर आपको जो है जो भी मुसलमान जो जो भी हैं उनको नमाज की पाबंदी होगी, वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि उन्होंने सब चीज़ें बंद कर देते हैं वो, और वहाँ पर आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी सिर्फ आप होंगे और जो ट्रेनिंग जो आपको करा रही होगी वो करनी होगी आपको। क्या बाकी जो जाना चाहे वो करे अच्छी बात है, अपने ऊपर वर्क करें थोड़ा सा सीखें, आपने क्या खाया क्या कमाया क्या खोया वो सब आपको सीखने को मिलेगा वहाँ पर। अच्छा, खाना कैसा था जो उन्होंने खिलाते थे, 2 टाइम में हो गया, 1 टाइम में हो गया? खाने में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, वेजिटेरियन खाना वहाँ मिलता है और मज़े का था? मज़े का खाना होता है, और दूसरा ये कि आप पेट भर के खा लें वहाँ पर। जो दूसरी वजह दूसरी ट्रेनिंग लेते हैं जो 10 दिन सेकंड कर रहे होते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, और उनको तो बस आपको दोपहर में शाम में जो नींबू पानी आपको मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट ट्रेनिंग चल रहा है उसको भरपूर खाना नाश्ता मिलता है, शाम की भी चाय भी मिलती है, तो फ्रूट होता है साथ और अच्छा खाना होता है बहुत।
आप मैं आपको बता नहीं सकता, जब आप खाएंगे तो जो जो वेजिटेरियंस होते हैं वो उनको तो बहुत ही पसंद आएगी। आपको नहीं आया? नहीं, मैं तो चावल के साथ जो कुछ चीज़ आती थी तो सांभर आ गया, कभी दाल आ गई तो वो लेते। मैं सब्जियां ज़्यादा शौक से नहीं खाता, लेकिन ये खाई नहीं, खाई अभी भी नहीं खाई। मैंने वहाँ नहीं खाई, खाई खाई नहीं, नहीं चावल और सांभर जी, सांभर दाल चावल और ये सैलेड और दही वगैरह जो था ये जी। सही है। अच्छा, तो जब आपको मैंने पहले दुबई भेजा था कि आप जाएं मीटिंग करके आएं गोयनका जी के बेटे से कि जी हमने यहाँ पे विपाशना सेंटर खोलना है, उस वक्त आपके जहन में क्या आइडिया था और अब क्या वो आइडिया में कुछ चेंज आई है? पहले तो आपको ख्याल आया होगा, बोलते तो नहीं आप मुँह से, लेकिन ख्याल जरूर आया होगा कि पागल हो गया रेहान, ये क्यों खुलवा रहे हैं आप? पहले मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी और जब आपने मुझे भेजा था और जो गुरु जी के बेटे से गोयनची मिलने के लिए, तो रमेश साहब भी थे उस वक्त, तो उन्होंने भी रमेश भाई से पहले मिल चुके थे जी। अच्छा। तो हम जब वहाँ मिले उनसे तो मैंने उनको आइडिया बताया कि रेहान साहब ने विपाशना करी है और वो चाहते हैं कि एक मेडिटेशन सेंटर जो है वो पाकिस्तान में हो, जिससे लोग जो उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि जब तक आप नहीं करेंगे मेडिटेशन फिर आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, मेरा ये मेडिटेशन का मैं आपको बताऊं, एक जाने का फ़ायदा ये भी था कि आप जैसे कि आप चाहते थे कि एक मेडिटेशन सेंटर बनाना चाहिए, तो उसके लिए जाहिर बात है वहाँ देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ क्या क्या चीज़ें, कैसे रूम बने हुए हैं, बाथरूम कैसे हैं, किचन कैसा बना, हॉल कैसा बनाया है। तो मेरे जहन में ये चीज़ें थी कि मैं मेडिटेशन के साथ साथ ये भी मैं सीखूँगा कि ये उन्होंने उसको कैसे हैंडल करा। तो वो गुरु जी के बेटे ने जो लास्ट टाइम उससे यही कहा था कि जब तक आप सीखेंगे नहीं और आप जाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर हम लोग क्या क्या कैसे करते हैं। तो बाद में जब मैं गया हूँ तो मैंने उनको देखा कि वो उन्होंने कैसे उन्होंने मैनेज करा उसको, और कोई ज़्यादा लोग नहीं है, तीन लोग जो है इस पर काम करते हैं वहाँ पर, और एक जो है वो असिस्टेंट टीचर होता है, एक टीचर होता है, दो असिस्टेंट टीचर होते हैं, एक टीचर होते हैं, प्रॉपर टाइम से काम होता है और सब आपको ख़ुद करना होता है, सफाई भी खुद करनी है और कपड़े जो है वह चाहे खुद धो लें और ना लॉन्ड्री वाले आते हैं वहाँ पर वो धो लें। तो बस, लेकिन आप जो दुबई में गए थे ना वो VIP विपाशना सेंटर है, जो नॉर्मल विपाशना सेंटर होते हैं जो बाकी ममालिक में हैं, श्रीलंका में, बर्मा में, इंडिया में, वो ऐसे नहीं है। उसमें बंकर्स लगे होते हैं और आप लाइन से बस आपको एक छोटी सी जगह मिलती है और ज़मीन पे फर्श पे आपको सोना होता है और आप रहते हैं। ये तो VIP था, या तो बिस्तर भी होगा, बाथरूम भी होगा हर कमरे में, ये तो बहुत अच्छा, ये तो मैं कहता हूँ सर्टिफिकेशन कोई नहीं है। 4-star होटल भी है, 3-star होटल जैसा था ये दुबई वाला था। तो मगर अब जो लोग कर रहे हैं वो तो जारी बात है, अब वहाँ पर कर रहे होंगे, जिनको यहाँ सहूलत मिली वो यहाँ पर आके कर रहे हैं। तो वही के अंदर हम इंडिया, हमने अप्लाई करा था लास्ट टाइम भी, हमें मिला नहीं था ना। इंडिया में जो है विपाशना सेंटर वाले वो है इनविटेशन तो दे देते हैं, लेकिन इनविटेशन के साथ साथ जो है वो उनको आधार कार्ड या आई कार्ड या बिल भी देना पड़ता है, तब वीज़ा लगता है, तो वो देते नहीं। अगर वो देंगे तो वहाँ का एक्सपीरियंस फिर मैं वो भी शेयर कर दूँगा आपको। सही। ये बताइए कि अब जो सवाल था ओरिजिनल कि जब मैंने आपको पहले भेजा था कि विपाशना सेंटर खोलना है, तो आपके जहन में उस वक्त क्या आया था कि ये क्यों करवा रहे हैं रेहान, इससे क्या फ़ायदा होगा? कर तो आप लेते हैं सारे काम, लेकिन वो फ़ायदा क्या नज़र आ रहा था, या आपके जहन में क्या उस वक्त ख्याल थे इस बारे में? मुझे लास्ट टाइम का तो पता नहीं आपके जहन में क्या था, लेकिन जब आप जा रहे थे ना कि जी मुझे खोलना है, मैंने कहा था मुझे खोलना है, मैं तो सिर्फ आपकी बात को उस वक्त फॉलो कर रहा था, आपने कहा था जाए वहाँ पर, मुझे ओपिनियन क्या था आपका? हाँ, कोई ओपिनियन था? नहीं, ओपिनियन था जो आपने मुझे ख्यालात बताए थे इस तरह से होते हैं, ये वीडियो देख लें, लास्ट टाइम आपने वीडियो भी बनाई थी, इसलिए तो मैं उसको फोकस करके जा रहा था कि हमें इस तरह बनाना है, उनसे गाइडलाइंस ले रहा था टीचर कैसे अवेलेबल होंगे। तो लेकिन अब जो है वो विजन क्लियर है, मतलब अब जो है अगर विपाशना सेंटर बनाना होगा तो मेरे पास आइडियाज़ जो मेरे जो मैं सीख कर आया हूँ वो अलग हैं, जो यहाँ के जैसे हम कर पाकिस्तान में खोलेंगे हमें क्या क्या चीज़ें, हमें प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या क्या नहीं आएंगी, वो अब हमारे पास क्लियर है सारी चीज़ें। सही। तो अब हम यहाँ खोलेंगे, हम विपाशना कोशिश कर रहे हैं उसके लिए।
विपाशना सेंटर हमको यहाँ पर खोलना चाहिए, लेकिन हम विपाशना सेंटर के नाम से ना खोलें तो अच्छी है। कोई हम मेडिटेशन जो है वो विपाशना जो है, लोग समझेंगे कि हम जो है वो किसी रिलीजियंस को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम मेडिटेशन के नाम से कोई खोलें, विपाशना वर्ड्स ना हो, हिंदी का वर्ड्स ना हो उसमें, तो शायद लोग जो है वो आराम से जो है वो 10 डेज लगा सकते हैं। और फॉरेन टीचर भी आ सकता है यहाँ से, क्योंकि पूरी दुनिया में सिवाय इंडिया के, बर्मा के ये लोग टीचर्स भी अवेलेबल हो सकते आपको हैं। पता है पाकिस्तान में साल में 2 दफ़ा होता है? मैंने तो अभी तक देखा नहीं है कहाँ पर होता है, लेकिन ये है कि सही, हर संडे को क्लास लगती है, आप वहाँ जाएँ, उनसे मिलें और उनसे फिर पूछें, वो ग्रुप बनाते हैं, फिर साल में 2 दफ़ा यहाँ पर भी करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच जमीत भाई फॉर गोइंग फॉर डूइंग दिस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी इससे बेहतर होगी। मुझे तो पता है कि हो जाती है। मुझे मैंने एक और चीज़ मेरे साथ हुई थी, वो ये थी कि मैंने अपनी सारी अलमारी में जितने फालतू चीज़ें निकाल के फेंक दी थी। तो दिमाग जब साफ़ होता है तो फिर चीज़ें भी इंसान साफ़ करने लगता है। चलें, थैंक यू सो मच तमीज़ भाई। कोई थैंक यू। लास्ट वर्ड्स, कोई बात लोगों को मशवरा देना चाहेंगे? बस लोगों को ये मशवरा देने जा रहा हूँ, जिसने विपाशना नहीं करा वो अगर करना चाहे वो कर ले, लेकिन विपाशना से हट के एक बात ये है कि आप अपने काम में फोकस करें। कैसे करें? सीखा, जब कभी सीखा ही नहीं है। जो भी काम आप अच्छा कर ये रहे हैं, बताओ, जो 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 मेडिटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्यान और सारी ज़िंदगी अम्मा ने क्या बताया, बेटा काम में, ध्यान दो। और सिखाया किसी ने नहीं कि ध्यान कैसे देते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये कहना था, जो जो काम कर रहा है वो उसके लिए कह रहा हूँ ध्यान दे उसके अंदर, अपने कैसे काम दे, में यही तो सवाल है, फोकस करे अपने काम कैसे में। करें? उसको आता बस ही नहीं है। जब किसी ने एक चीज़ सिखाई नहीं है कि कैसे करेंगे, तो कैसे सीखेगा? बताओ, बताएं वजह, कोई और तरीका बता दें। देखें, ये तो नहीं है, खुद ही सीखता है बच्चा खुद जो ही है कैसे ना। देखता? मैं आपको आपको उसने बता सारी रहा ज़िंदगी हूँ, नमाज़ अगर पढ़ी, छोटा एक मिनट में, आपने सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ी, आपने खुद कहा मेरा फोकस उस पर नहीं है, आपकी अम्मा ने बोला नहीं था, आपके रिश्तेदारों ने बोला नहीं था नमाज़ में ध्यान देना चाहिए, वाली साहब ने नहीं बताया था, तो क्यों नहीं दिया था? इसलिए तरीका नहीं सिखाया किसी ने कि ये ध्यान देने का तरीका है। एक्चुअली सिखाया है तहज्जुद के ज़रिए, सिखाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ग़ार हिरा में जाए क्या करते होंगे आपके ख्याल में? साइलेंस पे जाते थे ना, अकेले रहते थे, तो क्या करते होंगे आप? ये मेडिटेशन होते हैं। तो किधर गए? रिलीजन में से तो निकाल के बाहर फेंक दिया उन्होंने। कोई मौली साहब ही नहीं करते, ना बताते, ना खुद पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि ज़रूर ध्यान दें, लेकिन ध्यान देना आता नहीं है। तो ध्यान देना ही नहीं आता, इम्तिहान देना नहीं आता, तो इम्तिहान में कैसे पास होगा? आपके यहाँ इम्तिहान में अच्छे नंबर ले आना, फिर बगैर प्रैक्टिस के कौन सा बच्चा इम्तिहान में अच्छे नंबर लेके आ सकता? कोई भी नहीं हो सकता। तो ये एक तरीका है जो सिखाया जाता है कि इस तरीके से ध्यान देते हैं। ध्यान देना आता नहीं है, बट बोल सब रहे हैं ध्यान दो ध्यान दो, ये नहीं बताता कोई ध्यान कैसे देते हैं। अब आपको ध्यान देना आया है कि ये बेटा ये इस तरह से बैठ के अगर करोगे तो ये दिमाग के अंदर भी एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है कि दिमाग में आइडिया आ रहा है उसको भगा दो, चलो भागो यहाँ से थोड़ी देर बाद, है ना, अभी मसरूफ़ हूँ, ये नहीं कहते कोई, क्योंकि किसी ने नहीं बताया था आज तक। और अगर कोई बताता भी, हमने आपको बहुत दफ़ा कोशिश करी, बता सुन लो रोज़ाना क्लास होती थी, आप भाग जाते थे कि नहीं मैंने, मेरे लिए बेकार है। तो वो अब आपको शायद समझ में आ गई हो, मेरा तो ख्याल है आपको दोबारा 6 महीने में करना चाहिए, क्योंकि आप जब दोबारा करेंगे, और दोबारा जब पहले एक दफ़ा खाना मिलता है ना, मैं भी बहुत डर रहा था, सबसे बड़ा मुझे डर ये था कि यार एक दफ़ा खाना मिलेगा भाई, दूसरी दफ़ा खाना क्यों नहीं मिलेगा? यकीन करो भूख भी नहीं लगती थी शुरू में, हर चीज़ जो है ना अजीब लगती है, लेकिन जब आप कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो 10 दिन तक खाना ही नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते, और कॉमन है, और उनसे उनकी तबीयत अच्छी हो जाती है, उनके उनकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि खाना जो है ये एक जुल्म है हम जो अपने ऊपर करते हैं, वो ख़ास तौर पर जो हमारा पाकिस्तानी खाना है वो तो जुल्म कबीर है, उसकी वजह से अस्पताल भरे हुए रहते हैं। अगर हम खाना बदल लें अपना, आधी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ, तो ये गोश्त और ये जो हम रोटी खाते हैं ये सब ख़राब है, ये सब इसमें ग्लूटेन और गंद कबाड़, खाना इतना ख़राब है हमारा कि हम आधी बीमारी तो जड़ ही है इसकी। सही बात। चलें, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।